व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ शाहरुख एंड वेलकम बैक टू इट्स मैच शबाई जी। आज हम लोग क्रिकेट 22 का कैरियर मोड स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक कैरियर मोड खेल चुका हूं, उसी वीडियोस में नहीं बनाई लेकिन वो एक्सीडेंटली मुझसे डिलीट हो चुका है। उसमें मैंने काफ़ी आगे तक चला गया था, इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन भी हो चुकी थी और T20 वर्ल्ड कप का इन्विटेशन नहीं ODI वर्ल्ड कप का इन्विटेशन आया था, BBL का इन्विटेशन आया था, PSL का इन्विटेशन आया था, तो सब कुछ मैंने एक्सेप्ट किया हुआ था लेकिन वो डिलीट हो गया। मैं इंग्लैंड की तरफ से खेल रहा था उसमें। अभी दोबारा हम बनाएंगे, मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से खेलूँ इस दफ़ा, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से मैं खेल चुका हूँ एक दफ़ा। तो अभी पाकिस्तान की तरफ से शुरू करते हैं, तो बनाते हैं अपना पहला कैरियर मोड इस चैनल पर। ये मेरी पहली वीडियो होगी कैरियर मोड की। ओके, तो यहाँ पे वेलकम टू कैरियर मोड, ठीक है जी, ओके हो गया। सिलेक्शन डिफ़िकल्टी जो है वो हम नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि ईजी या ईजीएस तो बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये कैरियर स्टोरी एक्सपीरियंस हमने न्यू रखनी है, और नाम यहाँ पे अपना लिख देते हैं। नाम मैंने फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं रखा, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस सेकंड मैंने रखा है शाहरुख, तक बस वही शो होगा, डबल डॉट शाहरुख आ जाएगा। ओके, तो दैट्स राइट ऑफ कोर्स, आई एम गोइंग टू डू माय बेस्ट टू रिमेंबर योर नेम। ओके, कुछ ज्ञान फेल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जी आई नो यस दस में नहीं भाई, आपने कहाँ से सुना है मुझे नहीं पता। मैं स्लोवर बैटर बैटिंग ऑलराउंडर ओके ऑलराउंडर ठीक है, क्योंकि बॉलिंग तो फिर भी हमको करनी है, तो ऑलराउंडर रखते हैं। बैटिंग पोजीशन हम अपनी ओपनर रखेंगे, बॉलिंग टाइप हमारा ऑब्वियसली फास्ट होगा। और ओके गुड है, हम खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से। और यस यस ऑफ कोर्स, ओके ओके। तो डोमेस्टिक क्लब से हमें ऑफ कोर्स ही शुरू करवाएंगे, तो यहाँ डोमेस्टिक क्लब हम जो है वो ऑफ कोर्स पंजाब रखेंगे, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। और पंजाब ओके ओके ओके, उसके अंदर भी क्लब से शुरू करना होगा, तो फिर हम लाहौर रखेंगे। तो लाहौर, पंजाब और फिर इंटरनेशनल टीम, हमें पहले लाहौर की तरफ से खेलना होगा, फिर हम पंजाब की तरफ से खेलेंगे, फिर हमें पंजाब टीम में सिलेक्शन होगी, उसके बाद फिर हम जो है इंटरनेशनल टीम में जाएंगे। ओके गुड हो गया। ओके बाय। चलो भाई, ये तो हो गया। अभी हम अपना जो बंदा है वो कस्टमाइज करेंगे। लाहौर के अंदर ये सारे दूसरे जो हैं क्लब्स हैं, तो हम लाहौर को चूज़ रखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ हम अपने यहाँ पे लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ 77। ये मैंने लिख दिया अपनी डेट ऑफ बर्थ। बैटिंग हैंड राइट राइट, स्टाइल जो है वो हम कौन सा रखें, 3 में रख दिया है। बॉलिंग स्टाइल हम अपना 4 रखेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है वो ये चीज़ फेंकते हैं ऐसे जब, तो मज़ा आ जाता है, यही रखेंगे। तो शर्ट नंबर हमारा जो है वो 35 होगा, क्योंकि ऐसे ही बस 35 होगा, क्योंकि मैं हमेशा यही रखता हूँ। अब कर दे, शर्ट नेम शाहरुख ही होगा, ठीक है। कमेंट्री सर नेम जो है वो मैंने काफ़ी दफ़ा सर्च किया है, शाहरुख तो मिलता नहीं है, तो Callis, Labuschagne, Oakley, Cardier, Rock, Sainsbury, Simons, Sight, Sully, Sullivan, Subrian, Stoneman, Stone, Sterling, Steve. सारी दुनिया का रख दी है, बस मेरा नहीं रखा। Stallenberg, Souter, Southey, Southby, Soebula, Sody, Snow, Smuts, Smith, Smee, Small, Slater, Singh, Sinclair, Singh, Sinclair, Simon, Simmons, Silverholmes, Silk, Siddle, Siboto, Shinwari, Shepherd, Shaw, Sharma, Shannon, Shamsi, Shamim, Shakil, Shazad, Shah. Shakil, Shazad तक रख दिया यार, शाह। चलो शाह मैं रखता हूँ यहाँ
यहाँ पे हमेशा मैं रखता हूँ शाह ही, तो शाह रखता हूँ। आसिफ का हमने जो है वो वाइस रख दिया है। हाइट जो है 6'2" है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, हम इस इतनी तो नहीं रखेंगे, 5'11" में रखता हूँ हमेशा, तो आई थिंक 5'11" ही ठीक रहेगी इसमें भी। 5'10" ओके चलो 10 ठीक है। स्किन टोन हम अपनी कौन सी रखें, नहीं ये तो ज़्यादा ब्लैक है, आई थिंक ये सही लग रही है, या चलो यार यही रखते हैं क्या, चलो ये रख लेते हैं। आई कलर ठीक है, बाकी सब ठीक है, बॉडी टाइप शेप ठीक है, हेड जो है वो कौन सा रखें, यही ठीक लग रहा है मुझे तो। आइज़ जो हैं वो कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आ रहा, लेकिन चलो ठीक है। नोज़ जो है वो सही है, कान थोड़े छोटे कर देते हैं, लिप्स नहीं ये तो लड़कियों वाले हैं, नहीं ये ज़्यादा ही कुछ, आई थिंक नहीं ये नहीं, ये वाला सही लग रहा है। स्टाइल पे हम आ जाते हैं, तो बालों का यहाँ पे स्टाइल जो है वो क्या रखना है, क्या रखना है देखते हैं ज़रा, कौन सा इस पर सूट कर रहा है। कलर तो हम जो है वो ब्लैक ही रखेंगे पहले, बस थोड़ा स्टाइल देख लेते हैं। आई थिंक ये वाला मुझे सही लग रहा है, एक तो पीछे से ये वाला सही नहीं है। ये भी ठीक ठीक है, ये भी सही है यार, ये कैसे, चलो ये रखते हैं। कलर हम इसका ब्लैक कर देंगे बिल्कुल। हाँ उसके बाद इसके अंडरी कलर तो हम रखेंगे ही नहीं, तो ऑफकोर्स उसका कुछ बनता नहीं है। आईब्रोज जो हैं वो ये रख देते हैं, कलर इसका भी ब्लैक। बियर्ड 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 मूछें काली मूछें, ये कैसे, नहीं नहीं यार मुझे अच्छी नहीं लगती मुझे। ये तो सेम टू सेम हो जाएगा, हर बंदा ये बना के घूम रहा है। ये रखता हूँ यार बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी और सही है ये वाला, आई थिंक ये सही है। बियर्ड कलर जो है वो हम ब्लैक रखेंगे। आईब्रोज हमने पहले से ही कर ली हैं। हाँ बॉडी है चलो ठीक है जो भी है, ओके ये सब तो हो गया आई थिंक। आगे जाते हैं, जिंक हम लगाएं या ना लगाएं, कौन सी लगाएं, अगर लगाएं भी तो नहीं यार छोड़ो। उसके बाद टैटू हम एक रख लेंगे गर्दन के ऊपर, जो हमें गर्दन नज़र आएगी बैटिंग करते वक्त उसके ऊपर रख लेते हैं, और एक जो है वो लेफ्ट आर्म पे रख लेते हैं। और राइट पे मैं नहीं रखूँगा, क्यों नहीं रखूँगा वो मैं आपके आगे जा करके बताता हूँ। आई थिंक यहाँ पे नीचे की तरफ ये वाला सही रहेगा, प्यारा लग रहा है। राइट पे हम नहीं रखेंगे, बैटिंग ग्लासेस ओके, ये कौन सी डालें, ओके इसके कलर कुछ ऐड कर देते हैं, नहीं बैटिंग क्लासेस में क्यों बना रहा हूँ, मुझे तो बैटिंग करनी नहीं है क्लासेस जा के, मुझे तो हेलमेट में यूज़ करता हूँ हमेशा, लेकिन चलो फिर भी बना देते हैं कभी यूज़ की तो। ये मैं तो कर दूँगा थोड़ी सी यहाँ तक ठीक है, ओके परफेक्ट। कलर जो है वो हम ऐसे रखेंगे, स्लीव लेंथ ओके है। शूज़ ओके, ये मैंने इसलिए नहीं था रखा क्योंकि राइट के ऊपर मुझे ये डालनी थी, आई थिंक ये ब्लैक में अच्छी लगेगी, ज़रा ब्लैक में डालता हूँ। ये वाली हाँ ये हो गया। शूज़ हम अपने कौन से रखें, ओके कलर इसके अंदर कुछ हम खुद ऐड करके इसको थोड़ा बना लेंगे, ब्लैक वाइट, और इसके अंदर हम आई थिंक रेड से ही लग रहा है, और ये सही लग रहा है। येलो नहीं, ये बिल्कुल रेड हो गया यार,
क्या करूं, ये रख लूं, अच्छा नहीं लग रहा। येलो भी अच्छा नहीं लग रहा इतना। ये वाला आई थिंक कुछ सही लग रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ बैट, पूमा का सही रहेगा आई थिंक। ये सही है यार, अच्छे यूज़ टीम हैट। जी बिल्कुल यूज़ हैट। नहीं 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 हेलमेट ही हम यूज़ करेंगे बैटिंग करते वक्त। बैटिंग ग्लव्स सही है, थोड़ा चेंज कर देते हैं। बैटिंग पे ओके, ग्लव्स बैटना जो है वेटरन हमने ये रख दिए। मैनेज लोगो, लोगो वगैरह तो आई थिंक जो है बस ठीक है यार। क्या है अभी, मतलब हमने कौन सा सारी ज़िंदगी इधर से खेलना है, बाद में हमने ऑफ कोर्स इंटरनेशनल टीम में जाना है। तो यूज़ टीम कीपिंग ग्लव्स, हाँ यही रखते हैं बस, सही है। कीपिंग हमने करनी ही नहीं है तो क्या करना है उसका। यूज़ टीम बैटिंग पैड ऑफ कोर्स सही है, कीपिंग पैड सही है, बेहतरीन। यार शूज़ मुझे थोड़ा अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा ही ना वो हो गए। रुको एक मिनट मैं देखता हूँ। ऊपर है ये कलर, यार ये वाइट ठीक है, वाइट रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लग रहा है, तो यही रखते हैं। ओके आई थिंक बंदा हमारा जो है फुल रेडी हो गया, नाम शाम सब कुछ बिल्कुल ठीक है। यही हमारा आई थिंक फुल एंड फाइनल रिजल्ट है बंदे का। तो इसको हम चलें आगे करें शुरू। कन्फर्म कन्फर्म भाई, चलो भाई। अच्छा तो ये हैं हमारे भाई सब जो हमसे बात कर रहे थे पहले। बिग हिटर, ओके। तो हम अपना जो बैटिंग टाइप है वो क्या रखें, स्टडी बिल्डर, क्या रखूँ, शॉट मेकर। यार यहाँ बेस्ट क्या सिलेक्ट करना है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है अभी कुछ तो रखना ही है ना। फोकस्ड आई थिंक स्टडी बिल्डर या फोकस सही रहेगा, लेकिन बात अगर आए शॉट मेकर की या बिग हिटर की तो उसमें भी मेरा यही होता है कि बस शॉट लगाते जाओ। लेकिन आई थिंक हमने ओपनर स्टाइल रखा है तो स्टडी बिल्डर रख लेते हैं, उससे क्या होगा कि फिर सही से जो है ना हम खेल पाएंगे। बॉलिंग जो है वो हमने अपनी स्विंग करा तो हमने सेलेक्ट किया, हमने फास्ट सेलेक्ट किया हुआ है। तो पेस नहीं, पेस मैंने पहले पेस करता था, तो पेस को तो मैंने बहुत खेल दिया, तो आई थिंक पेस नहीं रखता यार। क्या करूँ, क्या पेस ही रखूँ दोबारा। आई लाइक टू बिल्ड स्टेडली विद द बैट व्हेन बॉलिंग इज सॉल्व अबाउट ट्रॉक विद पेस हार्ड एंड फास्ट। तो क्या करूँ फिर, यही रखूँ। लेट मी थिंक यार, एक मिनट मुझे दो, मैं सोच लूँ कि क्या रखना एग्जैक्टली। नहीं पेस नहीं रख रहा यार, मैं इस दफा ना मैं आई थिंक ये रख लेता हूँ सेम पेस। चलो ये ठीक है, टाइम एंड टाइम अगेन हिटिंग द स्पॉट, टाइम एंड टाइम अगेन, ठीक है भाई। ओके ओके, बैटिंग वीकनेस स्पिन तो नहीं, पेस कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, आई थिंक पावर। हाँ पावर ठीक है आई थिंक, क्योंकि पावर चाहिए होती है ना शॉट लगाने के लिए, बड़ी स्पेशल शॉट जो होती हैं। बॉलिंग वीकनेस जो मेरी है वो एक्यूरेसी रख सकता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे पिक सेलेक्ट करने हैं। तीन हम बैटिंग के सेलेक्ट कर लेते हैं, तीन हम बॉलिंग के सेलेक्ट कर देंगे, एक हम जो है फील्डिंग का करेंगे सेलेक्ट।
तो सबसे पहले रखते हैं बैटिंग के तीनों, कौन कौन से पोस्ट पावरफुल पोस्ट पावर्स के, ये दो हो गए। और आई थिंक T20 वाला रख लें यार, यही सही रहेगा आई थिंक। चलो ये तीन हो गए, अभी रखते हैं बॉलिंग के कौन कौन से रखें। एक तो T20 बॉलर में रखूँगा, ही रखूँगा। उसके बाद सेम मास्टर स्विंग, स्विंग किंग कंट्रोल, ओके। एक और रखना है बॉलिंग का, गेट इन स्विंग, गेट इन स्विंग, ओके। फील्डिंग का एक मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि फील्डिंग तो मैं करूँगा ही नहीं मोस्टली, बॉलिंग बैटिंग करूँगा। तो फील्डिंग का मैं कैच ही रखूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स कैच जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो, ताकि अगर आपकी तरफ कोई आ जाए उस वक्त आप पकड़ लो कैच। तो यहाँ पे बैटिंग में से तो और ठीक है, मतलब तीन तो रख लिए हमने बैटिंग में से, तीन बॉलिंग में से, तो फिर फील्डिंग में से एक तो रखना ही पड़ेगा यार। कहाँ पे है बोस्ट स्किल्स फॉर कैचिंग, ओके That's great to कंफर्म, hear. I ओके think you're going to add to this team nicely. And we'll be glad to have you. So, finally, let's talk about your fitness. How good are you feeling out there at the moment? not well. I'm forced on my core strength, I'm forced on my fast, just can't run around all day. I feel like I could run all day, but just can't sprint that tough fast. I think I'm in good all-round shape. Nay. I think moving well जो है वो रख लेते हैं। Your natural speed and reflexes would make you a good slits fielder. Shall we give you a go there? पोजीशंस हम कोई भी तीन सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि फील्डिंग हमने करनी ही नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे मुझे, तो मैंने बॉलिंग और बैटिंग ही करनी है, तो कुछ भी रख लेते हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ हमारा बंदा जो है वो पूरी तरह से बांध करके तैयार हो चुका है, सब कुछ डन है। अभी हम जाएंगे सीधा अपनी टीम को मिलने के लिए ग्राउंड में। तो भाई इसके बाद हमारा होगा पहला मैच जो कि होगा T20 डेब्यू हमारा, ठीक है। वो हम अगली वीडियो में खेलेंगे, आज हमारा काम था करेक्टर बनाना, करेक्टर पूरा बन गया। नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल पर भी आ जाएगी कुछ ही देर में, उसके अंदर हमारा पहला मैच होगा T20, तो वो देखना मत भूलना। तो वहाँ से हमारी जो है कैरियर की शुरुआत होगी और इंशाल्लाह हम इसको एंड तक ले करके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तो टिल देन बाय बाय।